हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी एंड आई एम बैक ऑन माय चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन ट्विटर। अगर आपने एक दो दिन में इधर सोशल मीडिया यूज़ किया होगा तो आपको एक बहुत अजीब सा ट्रेंड वायरल दिखा होगा। हर जगह सिर्फ एक ही नाम की बात हो रही है, विनोद विनोद विनोद। एंड आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है, कौन है ये विनोद और इसने ऐसा क्या किया जो ये वायरल हो गया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहली बात, विनोद क्यों वायरल हो रहा है। दूसरी बात, कि ट्रेंड इतना कैचअप क्यों हो रहा है कि जो लोग उनको जानते भी नहीं है वो भी उनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपको ट्विटर पे वायरल जाना है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मेरे जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं, अनलाइक द लेजेंड विनोद, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं कि एक अच्छा ट्वीट करें, कुछ फनी लिखें, कुछ ओरिजिनल लिखें। कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर का यूज़ करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से फंस के वायरल हो जाते हैं। लेकिन विनोद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विनोद ने जो मेरा एक फॉर्मूला था ट्विटर पे वायरल जाने का, उसको एकदम तोड़ के रख दिया है। और ये नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। आपको JCB की खुदाई के मीम्स तो याद ही होंगे, या बोले तो प्रिया प्रकाश वैरियर का बिंक वीडियो। तो ये इंडियन ट्विटर की खास बात है कि हमें कोई पता नहीं है कि हमें कौन सी चीज कब अच्छी लग जाए और कब हम उसके बारे में ट्वीट करके उसको वायरल करने लगे। तो अगर अभी आप देख रहे हैं, आपका जो ट्विटर का एक्सप्लोर सेशन होगा उसमें विनोद अभी नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये नाम विनोद क्यों ट्रेंड कर रहा है और क्यों लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इस नाम के ट्रेंड होने के कुछ 2-3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, ये विनोद नहीं, ये विनोद है एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल। तो बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं कि जो ये विनोद नाम होता है यूजली यूपी बिहार और उत्तराखंड के लोगों का होता है, तो मे बी विनोद वहां के रहने वाले हैं, एक थ्योरी ये है। दूसरा, मुझे लगता है कि विनोद नाम इतना कैचअप इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक शब्द नहीं, ये एक फीलिंग है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप अभी सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स आके उस पर सिर्फ एक शब्द लिखते हैं, विनोद। कुछ आगे बोलने की जरूरत नहीं, कुछ उसके पहले लगाने की जरूरत नहीं। जैसा कि आपको याद होगा पिंक मूवी का डायलॉग था, नो मीन्स नो, वैसे ही विनोद मीन्स विनोद और इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरा, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है विनोद नाम सुन के कि जैसे अगर आप जानते होंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना नाम पत्थर से लिख के चले आते हैं, चौक से लिख के चले आते हैं। तो ये नाम सुन के मेरे दिमाग में वो विनोद शब्द आ रहा है एंड दैट इज हाउ आई फील कि ट्विटर अभी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बन चुका है जहाँ पे हर कोई विनोद 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 लिखता चला आ रहा है। एक YouTube चैनल है स्ले पॉइंट करके, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि कैसे जो YouTube इंडियन YouTube है उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। और ये बहुत फनी वीडियो था, इसमें उन्होंने काफी सारे कमेंट्स को डिस्कस किया। उसमें से एक कमेंट था एक बंदे का जिसका नाम था विनोद थारू। जी हाँ, यही हमारे हीरो हैं और इस वीडियो में उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो विनोद थारू जो कमेंट करते हैं वो कुछ नहीं लिखते हैं, उन्होंने कमेंट में सिर्फ इतना लिखा, विनोद। जो और व्यूअर्स उस वीडियो को देखने आए तो उन्होंने ये देखा कि ये विनोद ने अपना नाम लिख दिया विनोद, तो उनको लगा कि काफी इंटरेस्टिंग है ये और उन्होंने वो कमेंट लाइक करना स्टार्ट कर दिया। और वो इतना लाइक्स उस कमेंट को मिलते गए कि वो वायरल हो गया। और जो स्ले पॉइंट है उसने एक्चुअली उस कमेंट को लेकर अपने वीडियो में उसको फीचर किया एंड वहां से उस वीडियो को लोगों ने देखा और अब विनोद यूट्यूब से निकल के इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हर जगह आ चुका है। और हम मीमर्स को तो सिर्फ इंतजार होता है कि कुछ ऐसी चीज हो और हम उसको पकड़ के उस पर ट्रेंड स्टार्ट कर दें, और ऐसा ही हुआ। ये कमेंट इतना यूनिक था अपने आप में कि सब ने इसको उठा के इसके ऊपर मीम्स बनाने स्टार्ट कर दिए। सो इस नाम को लेकर एक्चुअली काफी सारी थ्योरीज और भी आ रही हैं। एक मैंने सुना कि किसी ने बोला कि जो राम मंदिर में जो पंडित भूमि पूजन करा रहे थे उनका नाम विनोद था, तो दैट इज हाउ इट गॉट वायरल। बट नहीं, जिसका सही रीजन है वो ये स्ले पॉइंट वाला ही है। और अगर आपको ये रीजन नहीं पता था और आपको मेरे वीडियो के थ्रू पता चला, देन डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।
अगर आप ट्विटर पे नए हैं और आपको जानना है कि आप अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं या ट्विटर पे कैसे आपको अपने लाइक्स और रीट्वीट्स बढ़ाने चाहिए, देन जरूर मेरी ट्विटर पे प्लेलिस्ट एक है, उसको आप जरूर चेकआउट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।